मल्टी बैगर गोल्ड लोन कंपनी क्वेश्चन मार्क है मतलब हम वी आर नॉट मेकिंग एनी स्टेटमेंट ओवर हियर सो मुथ फाइनेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बट थोड़ा अलग तरीके से मतलब ये जो इंडस्ट्री है गोल्ड फाइनेंसिंग की जो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है या फिर इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं सो so, सोने के लिए गोल्ड के लिए सोना मतलब वो सोना नहीं सोना गोल्ड वाला आ, अजीत वाला सोना मोना डार्लिंग वाला सोना सो ओवरऑल हाउस होल्ड गोल्ड विथ इंडियंस कितना है सो so, इंडिया में हाउस होल्ड के पास जो गोल्ड है जिसमें ज्वेलरी भी आती है और रॉ फॉर्म में बार्स वगैरह कॉइन्स वगैरह अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल सोने में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है इंडियंस की इंडियन हाउस होल्ड की ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टन कितना हुआ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टन उसमें से सिक्सटी फाइव परसेंट जो सोना है वो ज्वेलरी फॉर्म में है सो so, मतलब अगर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टन का सिक्सटी फाइव परसेंट अगर हम बात करतेमत so so, की है छह हजार रुपए तो यह सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टन को अगर हम रुपी टर्म में कन्वर्ट करते यानी कि साइज ऑफ दिस गोल्ड इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी फॉर्म इज अराउंड लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए का ये टोटल वैल्यू है। अब लो अगर, अगर हम बात so जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू, लोन वैल्यू, मतलब कितना मैक्सिमम लोन्स देती है ये कंपनीज, जो है, उसके मतलब प्राइस के मतलब अगर सौ रुपए का सोना है तो 75 फाइव रुपीज का लोन ये कंपनीज देती है एनबीएफसी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हो या फिर आजकल बैंक ने भी बहुत ज्यादा उंड सेवेंटी नाइन लैख करोड़ रुपीज अगेन आई एम रिपीटिंग द नंबर सेवनटी नाइन लाख करोड़ रुपीज अब इंडिया में जो प्लेज परसेंटेज है मतलब कितना सोना प्लेज किया हुआ है फिर वो बैंक्स के पास किया है या फिर एन के पास किया है या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो बैज के बैज से पैसा देते हैं मतलब जो आई थिंक आप लोगों ने पुरानी मूवी देखी होगी ना बिरजू बिरजू लाला बिरजू वाला जो रिलेशनशिप है तो वो मतलब जो बैज पे लोग पैसा देते हैं अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है कोई ऑर्गेनाइज मतलब उस पर किसी का रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा लगते नहीं है और वहीं पे लोग ज्यादा से ज्यादा फंसते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट भी वो लोग चार्ज करते हैं तो उसी इंडस्ट्री को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड लेंडर्स कर रहे हैं सो सेवेंटी परसेंट पहले इनका मार्केट शेयर होता था इन प्राइवेट प्लेयर्स का नाउ इट हैज कम डाउन टू सिक्सटी परसेंट सो अब ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैव स्टार्टेड लेंडिंग 35 मतलब नए जो लोन्स uh, दिए जा रहे हैं अगर सौ रुपए के लेंडिंग हो रहा है तो उसमें से थर्टी फाइव का लेंडिंग ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हो रहा है मतलब एन एंड बैंक जिस पे आर की रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं इन अ वे जो बोरोर्स से उनके लिए भी अच्छा है और जो लेंडर से जैसे uh, ये बैंक्स है एन बी एफ सीज है तो दे आर आल्सो फीलिंग कि भाई अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है एक रेगुलेटर भी है थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड ट्वेंटी so, परसेंट जो गोल्ड है इंडिया में हाउस होल्ड के पास वो प्लेस्ड है यानी सोलह लाख करोड़ रुपए का लोन का इंडस्ट्री है ये कितना लाख करोड़ बट इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइज ऑल्सो एंड अनऑर्गेनाइज ऑल्सो सो अगर हम थर्टी फाइव परसेंट का शेयर अगर ऑर्गेनाइज लेंडिंग का यहां कंसिडर करते हैं तो सोलह लाख करोड़ में से अराउंड छ लाख करोड़ रुपए का लेंडिंग जो है वो बैंक्स ने और एनबीएफसी ने यहां पे किया हुआ है सो so, अब ये जो है छह लाख करोड़ रुपए का जिसमें एटी परसेंट लेंडिंग जो की है वो बैंक्स ने की है एंड ट्वेंटी परसेंट जो लेंडिंग है वो इन एन ने की हुई है जिसमें मुथूट फाइनेंस हो या मनापुरम फाइनेंस हो इनका डेफिनेटली शेयर जो है वो ज्यादा है सो so, छे लाख करोड़ में से सिक्सटी वन थाउजेंड करोड़ रुपीज की लेंडिंग जो है वो मुथूट फाइनेंस ने की हुई है सो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में दस परसेंट का या फिर मोर देन टेन परसेंट का जो शेयर है वो आ, मुथूट फाइनेंस के पास अवेलेबल है और वहां ऑबियसली इनकी एक्सपर्टीज भी वही है एंड देर आर नो कंफ्यू देर इज नो कंफ्यूजन इन दिस कंपनी माइंड कि भाई हमें कोई और भी बहुत सारी चीजें करनी है डाइवर्सिफाई करना है कंसिस्टेंटली उसी डायरेक्शन में ये लोग चल रहे हैं सो अब मुझे यही कहना है कि ये जो इंडस्ट्री है जिसका पोटेंशियल सेवेंटी नाइन लाख करोड़ रुपीज का है जिसमें सिर्फ 16 लाख करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी टैप हुई है जहां इस उस टैप अपॉर्चुनिटी में 6 लाख करोड़ की ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है और 6 लाख करोड़ में 61,000 करोड़ इनका लेंडिंग का बुक है सो so आप समझ रहे हो कि एक तो अनऑर्गेनाइज टू तो ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है वो भी काफी सही तरीके से चल रहा है दिन ब दिन अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है एग्रेसिवनेस ऑफ दीज इंप्रूविंग प्लस दे आर टारगेटिंग राइट कस्टमर्स सो आई थिंक ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी वाली ये इंडस्ट्री नजर आती है और ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा है इस इंडस्ट्री का सेशन नंदन नीले का नहीं जिसमें वो क्रेडिट पे बात कर रहे थे कि कैसे आने वाले समय में क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इंडिया में तो उस केस में इवन गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज विल आल्सो नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड सो आई दैट्स व्हाई वी फील दैट द कंपनीज विच आर मैनेजिंग देर एसेट क्वालिटी वेरी वेल और गोल्ड लोन में तो एसेट क्वालिटी मैनेज करने का कोई ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली वट इज लोन टू वैल्यू सौ पचास मतलब सिक्सटी फाइव रुपीज का सेवेंटी फाइव रुपीज का अगर लोन चाहिए तो सौ रुपए का गोल्ड रखना पड़ता है तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा है और ऑब्वियसली विथ कंपनीज लाइक मुथूट फाइनेंस लोन टू वैल्यू इज मच लोअर दैन दी फाइव परसेंट विच इज रिक्वायर्ड और विच इज द वन कैन गिव आई थिंक सेफ्टी साइड में काफी अच्छी तरीके से ये कंपनी प्लेसड है एंड दैट्स वाई अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से दिस इज वन स्टॉक विच शुड बी ऑन योर रडार ऐसा हमें लगता है बाकी इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है आपके एडवाइजर को पूछ के आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो या फिर अगर इफ यू वॉन्ट टू रेफर टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज यू कैन सब्सक्राइब ऑन आवर वेबसाइट इन्वेस्ट ए डॉट इन मॉनसून ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो सिक्सटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल सकता है और इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी यू कैन कॉन्टैक्ट आर रिलेशनशिप सेल वन ऑन वन सेशन आर ऑल्सो अवेलेबल वो सेशन भी आप लोग बुक कर सकते हो मी या फिर गौरव दोनों में से किसी के साथ भी आप सेशन बुक कर सकते हो आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो ऐसे वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद